मेरा नाम नाम है है आज हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ़ बढ़ेंगे जिसका नाम है डबली बीम। इसके पहले मैंने आपसे सिंगली बीम मैंने अच्छे से डील कर लिया था। वहां पर हमने दो टाइप के मैंने आपको डिजाइन के बारे में बताया था डिजाइन में सबसे पहले मैंने उसके कारण हम जो डिजाइन करेंगे वो मैंने अच्छे से डिस्कस कर लिया था वहां पर हमने देखा था एम यू लिमिटिंग एम यू लिमिटिंग मतलब जो मैक्सिमम जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो डेवलप कर सकते हैं आपका जो स्ट्रक्चर जो है ठीक है उसके बारे में हमने बात किया था दूसरा हमने बात किया था अंडर इनफोर्स सेक्शन के बारे में अंडर इन्फोर्स सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल लोड के कारण ठीक है एम जो आपके पास आ रहा है अगर वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम लिमिट से क्या हो रहा है कम हो रहा है ठीक है एमयू क्या हो रहा है आपके पास एमयू लिमिट्स आपके पास कम हो रहा है तो हम कौन से टाइप के डिजाइन में जाते थे हम वहां पर डील करते थे अंडर सेक्शन के बारे में ठीक है अंडर सेक्शन मैंने आपको बोला था हमेशा आप जब भी डिजाइन के बारे में देगा आप हमेशा कैसे डिजाइन करेंगे उसको अंडर इनफोर्स सेक्शन ही डिजाइन करेंगे क्यों क्योंकि अंडर इनफोर्स सेक्शन क्या होता है आपके पास बहुत ज्यादा सेफ होता है क्यों क्योंकि वो क्या होता है आपके पास जो स्टील जो है वो पहले अपने लिमिट स्टेट पर पहुंचती है रादर देन कॉन्क्रीट तो उससे क्या होता है आपके पास उससे होता है कि आपका जो डक्टिलिटी जो होता है ठीक है फेलियर जो होता है वो कैसा होता है आपके पास एक डक्टाइल फेलियर आता है डक्टाइल फेलियर का मतलब ये है कि फेलियर होने से पहले स्टील क्या कर देगा यील्ड कर देगा मतलब क्या हो जाएगा उसमें हमें देख के हमें समझ में आ जाएगा कि वो फेलियर होने से पहले वो यील्ड हो गया मतलब उसमें बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन आ गए डिफ्लेक्शन आ गए तो हमें देख के समझ में आ जाएगा कि ये जो वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या होने वाला है थोड़ी टाइम बाद ये फेल होने वाला है तो हमें वहां पे प्रायर वार्निंग मिल जाती है हमें पहले से हमें वार्निंग समझ में आ जाती है कि स्ट्रक्चर पहले से फेल होने वाला है तो हम उसको क्या कर सकते हैं हम उसको ठीक कर सकते हैं रिपेयर कर सकते हैं जो भी है नहीं तो फिर हम उसको छोड़ सकते हैं वहां से हम हट सकते हैं तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं डिजाइनिंग कैसी रहती है अंडर इन्फोर्स सेक्शन रहती है ठीक है और लिमिटिंग सेक्शन में क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो एम जो है वो किसके बराबर होता है आपके पास एमयू लिमिटिंग के बराबर होता है तो हमने देखा था वहां पर अच्छे से कि एम यू लिमिट के बारे में हमने देखा था फॉर्मूला क्या देखा था क्यू इंटू एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर अब एम यू लिमिट क्या था आपके पास ये आपके पास आपका जो स्ट्रक्चर है वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है अगेंस्ट द बेंडिंग मोमेंट ठीक है ये क्या आपके पास आपका स्ट्रक्चर कितना आपके पास रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है दूसरी चीज़ हमने देखा था एम यू एम यू किसके कारण आया था आपके पास एम यू आपके पास आया था कि जो हमने देखा था जो अप्लाइड लोड जो था ठीक है जो अप्लाइड लोड जो था उसके कारण जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है मतलब एक्सटर्नल जो लोडिंग है तो ये कैसे वाला हो गया आपके पास जो आपको स्ट्रक्चर को जो ब्रेक करना चाहता है ठीक है और एमयू लिमिट क्या है आपके पास जो उसको रेजिस्ट करना चाहता है उसको जो बचाना चाहता है तो हम इसके बारे में हमने देखा था तो हमने फर्स्ट केस में क्या देखा था दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो मतलब क्या हो गया वो बैलेंस कंडीशन हो गया हम मोमेंट कैसे डिजाइन करें एमयू लिमिटिंग के रेस्पेक्ट में डिजाइन करें दूसरा हमने देखा था कौन सा दूसरा हमने देखा था अंडर इनफोर सेक्शन उसमें क्या देखा था हमने देखा कि एम जो है वो क्या हो रहा था आपके पास एम लिमिटिंग से हमेशा कम आ रहा था तो हम हमेशा वैसे ही चाहेंगे ना कि आपके पास जो ब्रेकिंग जो बेंडिंग मोमेंट है जो आपके पास स्ट्रक्चर को जो ब्रेक करना चाहता है जो तोड़ना चाहता है वो वाला जो ताकत है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होनी चाहिए आपके पास जो लिमिटिंग जो स्ट्रेंथ है उससे कम होनी चाहिए मतलब जो रेजिस्टेंस जो ऑफर कर रहा है आपका जो स्ट्रक्चर उससे हमेशा कम होनी चाहिए तभी तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा सेफ होगा तो उस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं उस वाले सेक्शन को हम बोलते हैं अंडर रिनफोर्स्ड सेक्शन तो हम हमेशा कैसे डिजाइन करना चाहेंगे हम हमेशा डिजाइन करना चाहेंगे कि आपका जो सेक्शन जो बने वो कैसा बने हमेशा अंडर रिनफोर्स्ड बने ठीक है नेक्स्ट तो यहां तक हमने बात कर ली थी अब एक कंडीशन मैंने आपको थर्ड कंडीशन बताया था उसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था मैंने आपको बोला था हम आगे की टॉपिक में डिस्कस करेंगे तो वो टाइम आ गया ठीक है आगे का टाइम आ गया डिस्कस करने का क्योंकि हमने देख लिया सिंगली रिनफोर्स अच्छे से तो उसके बाद मैंने क्या बोला था आपके पास मैंने बोला था कि अगर आपके पास बेंडिंग जो मोमेंट है अप्लाइड जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है स्ट्रक्चर पे वो क्या हो रहा है ग्रेटर देन आ रहा है किससे एम यू लिमिटिंग मतलब जितना रेजिस्टेंस वो ऑफर कर रहा है आपका स्ट्रक्चर उससे क्या हो रहा है अब ज्यादा आ रहा है तो ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं ओवर स्ट्रक्चर बोलते हैं ठीक है लेकिन ओवर स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास ओवर इन्फो स्ट्रक्चर डिजाइन करना क्या है हमारे पास प्रोहिबिट ठीक है आई कोड ने क्या किया बोला कि आप उसको वैसे टाइप के स्ट्रक्चर को आप डिजाइन नहीं करिए क्यों नहीं करिए क्योंकि क्या होगा उससे उससे फेलियर कैसा आएगा उससे फेलियर आएगा आपके पास ब्रिटल फेलियर आएगा ठीक है आपके पास कैसा आएगा कॉन्क्रीट जो होगा वो पहले फेल करेगा तो अगर कॉन्क्रीट पहले फेल कर रहा है ब्रिटल फेलियर आ रहा है मतलब डकटाइल फेलियर नहीं आ रहा है डकटाइल का मतलब क्या है आपके पास फेल होने से पहले आपको लार्ज उसमें क्या दिखेगा उसमें डिफॉर्मेशन दिखेगा लेकिन यहां पर इस केस में ऐसा नहीं दिखेगा ठीक है तो जो फेलियर होगा वो कैसा होगा एकदम सडन हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा अचानक से पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा उस टाइप के फेलियर को हम क्या बोलते हैं ब्रिटल फेलियर मतलब कौन पहले फेल हो रहा है कॉन्क्रीट क्या हो रहा है ठीक है थीके? तो अब हम यहां पे क्या करेंगे अगर ये वाला केस मिल गया आप देख रहे हो एमयू लिमिटिंग क्या है आपके पास कम है एमयू लिमिट क्या दिख रहा है आपको इसकी वैल्यू कम दिख रही है तो मैं क्या बोलूंगा ऐसे टाइप में आप एमयू लिमिटिंग को बढ़ा दो कैसे बढ़ाएंगे हम देखो एमयू लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या होता है क्यू इन टू एफ सी के इन टू बी इंटू डी स्क्वायर ठीक है बढ़ाने अगर बोल रहा हूं मैं तो मतलब क्या क्या बोल रहा हूं एमयू लिमिट बढ़ाना है तो मतलब आप कैसे बढ़ा सकते हो उसको या तो आप एक काम करो ना कि आप जो कॉन्क्रीट जो ले रहे हो कॉन्क्रीट जो ले रहे हो उसका ग्रेड आप बढ़ा दो एमयू लिमिटिंग किस पे डिपेंड कर रहा है एमयू यू लिमिटिंग डिपेंड कर रहा है एफ सी के पे तो आप क्या करिए जो ग्रेड ऑफ जो कॉन्क्रीट ले रहे हो जैसे मान लीजिए आप एम ट्वेंटी से डिजाइन किए थे अब आप क्या कर लो आप एम थर्टी से डिजाइन कर लो लेकिन एम थर्टी क्या हो जाएगा आपके पास बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा पूरा स्ट्रक्चर अगर आप एम ट्वेंटी की जगह एम थर्टी से बना रहे हो तो मतलब क्या हो जाएगा मटेरियल वहां पर बहुत ज़्यादा लगेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा काफी ज़्यादा कॉस्टली वहां पर देखने को मिलेगा ठीक है दूसरा दूसरा मैं बोल रहा हूँ एमयू लिमिटिंग बढ़ाने के लिए आप क्या करिए जो डायमेंशन है क्रॉस सेक्शन का उसको बढ़ा दीजिए मतलब आप क्या करिए जो डेप्थ है विथ भी बढ़ा सकते हैं लेकिन विथ क्या है देखिए डी स्क्वायर है तो अगर आप थोड़ा सा भी डी अगर बढ़ाओगे तो स्क्वायर हो रहा है वो तो एम्यूल लिमिटिंग ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो आप क्या करिए यहाँ पर एम्यूल लिमिटिंग बढ़ाने के लिए आप जो डेप्थ है उसको इंक्रीज कर दीजिए लेकिन हम क्या हर कंडीशन पर डेप्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं क्या नहीं उसमें भी क्या होता है आपके पास कुछ आपके पास क्या होता है पैरामीटर्स होते हैं जनरली आपके पास कुछ लिमिटेशंस होती है कि वहां पर हम डेप्थ को इंक्रीज़ नहीं कर सकते जैसे कि मान लीजिए अगर मैं अगर ये बीम है हमारे पास ठीक है ऊपर बीम है मैं बोल रहा हूँ इसकी डेप्थ बढ़ा दो तो इसकी जो हाइट है वो नीचे तक आ जाएगी मतलब मेरा अभी जो क्लियरेंस जो दिख रहा है वो क्लियरेंस उस क्या हो जाएगा मेरा कम हो जाएगा अब हर जगह ऐसा वो पॉसिबल तो है नहीं कि हर जगह हम ऐसा कर सकते ठीक है हो सकता है आपके पास जो हेड रूम है वो कम है और आपको जो डी जो बढ़ाने का जो नीड पड़ा बहुत ज़्यादा नीड पड़ रहा है तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द लेस स्पेस या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप डी को इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि वो एस्थेटिकली क्या दिखेगा बहुत ज़्यादा बेकार दिखेगा अब अचानक से आप आए हो कोई अच्छे से हॉल वगैरह में आप देख रहे हो अचानक देख रहे हो बीच में बहुत बड़ा जैसे बीम दिख रहा है आपको हर जगह तो अच्छा दिखेगा क्या नहीं ठीक है जो नीचे जो बीम की जो अगर डेप्थ जो आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा देखने को दिख रहा है तो क्या हो जाएगा वो एक प्लीजिंग इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा तो हम वहां पर भी क्या कर सकते हैं उस केस में डेप्थ को हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि एस्थेटिकली बहुत बेकार दिखेगा वो ठीक है तो इस केस में और भी क्या होता है आपके पास अगर मान लीजिए आपके पास रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस आ रहा है मैंने आपको पहले बताया था रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस आ रहा है तो वहां पर भी क्या कर सकते हैं हम क्या वाला डेप्थ को हम नहीं बढ़ा सकते ठीक है डेप्थ को हम बढ़ा नहीं सकते ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे तो लास्ट वाला ऑप्शन क्या है कि आप क्या करीजिए अगर आप डेप्थ को नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आप उसको डिजाइन कर लीजिए कैसा एज अ डबली रिनफोर्स्ड सेक्शन ठीक है अब आप बोलोगे ऐसा डबली रिनफोर्स सेक्शन है क्या डबली रेन्फोर्स सेक्शन वो होता है कि जैसे कि आपने अभी तक हमने क्रॉस सेक्शन देखा था आर का उसमें हमने क्या देखा था टेंशन जोन में हम क्या डाल रहे थे हम उसमें री डाल रहे थे ठीक है ऊपर में देख रहे थे आप कंक्रीट था और नीचे कंक्रीट के जो नीचे साइड में हम देख रहे थे वहां पर हम क्या कर रहे थे कुछ एक कवर को छोड़ के इफेक्टिव कवर नॉमिनल कवर को छोड़ के हम क्या कर रहे थे वहां पर हम टेंशन रिनफोर्समेंट डाल रहे थे अब डबली री डबली मतलब टू टाइम्स इन टू क्या स्टील मतलब आप पहले जो एक साइड में आप जो स्टील डाल रहे थे टेंशन साइड में अब आप क्या करोगे वो टेंशन साइड में स्टील ना डाल के टेंशन में तो डालोगे डालोगे साथ में क्या करोगे आप कंप्रेशन में भी क्या डालोगे आप स्टील को इम्पोज करेंगे ठीक है स्टील को भी क्या करेंगे आप कंप्रेशन साइड में प्लेस करेंगे समझ में आया तो डब्ल्यू री सेक्शन वो है जहां पर आप टेंशन में स्टील तो रहती रहती है साथ में हम क्या करेंगे हम वहां पर कंप्रेशन जोन में भी कंप्रेशन साइड में भी हम क्या करेंगे स्टील कोर इन्फोर्समेंट को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे मतलब प्लेस करेंगे तो उससे क्या होगा सर उससे यह होगा कि आपका जो एम यू लिमिटिंग जो है ठीक है आपका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा वहां पर बढ़ जाएगा क्लियर और अगर वो आपका बढ़ जाएगा तो अगेन क्या हो जाएगा आपके पास एम यू जो है वो क्या हो जाएगा लेस देन एम लिमिटिंग जैसा हो जाएगा तो हम वहाँ पर भी अगेन हम क्या कर सकते हैं उसको एज अंडर इनफोर्स सेक्शन हम उसको डिजाइन कर सकते हैं समझ में आया डब्ल्यू इनफोर्स बीम का कंसेप्ट क्या है कि हम क्या करेंगे जो आपका जो क्रॉस सेक्शन था पहले हम नीचे साइड में टेंशन जोन में हम क्या करते थे स्टील को ऐड करते थे अब इस केस में सिंस एम यू क्या हो रहा है हमारे पास ज्यादा हो रहा है एमयू लिमिटिंग से तो हम कंप्रेशन जोन में भी क्या डाल देंगे हम स्टील को डाल देंगे ताकि उसका जो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाए और ज्यादा इंक्रीज हो जाए अगेन क्या हो जाएगा आपके पास ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी एम यू क्या हो जाएगा लेस देन एमयू लिमिटिंग हो जाएगा अगेन हम उसको एज अ डिजाइन जो है वो कैसे डिजाइन कर सकते हैं एज अ अंडर इनफोर्स्ड सेक्शन उसको डिजाइन कर सकते हैं समझ में आया तो ये क्या था इसका बेसिक कंसेप्ट था डबली रिन्फोर्स्ड सेक्शन का चलिए अब अपन बात करते हैं। थोड़ा आगे की बात करते हैं इसमें ये तो बेसिक चीज थी अच्छा तो अगर मैं इंक्रीज करने के लिए बोल रहा हूं एमयू क्या हो रहा है हमारे पास इंक्रीज हो रहा है किससे एमयू लिमिटिंग से ठीक है एमयू क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है एमयू लिमिटिंग से मान के चलते हैं आपके पास एमयू की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है फाइव हंड्रेड किलो न्यूटन मीटर एमयू की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है हमारे पास 500 किलो न्यूटन मीटर और आपका जो लिमिटिंग जो मोमेंट जो आ रहा है एम लिमिट जो आ रहा है क्यू इन टू के बी डी स्क्वायर करके आपकी जो वैल्यू आ रही है मान के चलिए वो आपके पास आ रही है फोर किलो न्यूटन मीटर या फिर 400, 450 जो भी है आपके पास ये वाली जो वैल्यू है वो इससे क्या हो रही है आपके पास कम आ रही है अब इसका मतलब क्या है कि देखिए इतना एमयू लिमिट एमयू लिमिट तक तो हम सिंगली री सेक्शन को हम डिजाइन कर सकते थे यहां तक हम एक बैलेंस सेक्शन को एज अ सिंगली रिनफोर्स बीम हम डिजाइन किए थे पिछली क्लास में आपको सिखाया था मैं कि आप एमयू लिमिट तक क्या कर सकते हैं आप एक सिंगली रिनफोर्स बीम आप डिजाइन कर सकते हैं अब बचा क्या कितना मोमेंट बच गया आप 500 में से 450 का मोमेंट जो है उसके लिए आप एक सिंगली रिनफोर्स बीम को डिजाइन कर सकते हैं रिमेनिंग क्या बच गया रिमेनिंग बच गया आपके पास एम यू माइनस एमयू लिमिट मतलब आपके पास कितना बच गया 50 किलो न्यूटन मीटर ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं ये सब 50 किलो न्यूटन मीटर जो है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको आपको डबली बीम आपको डिजाइन करनी पड़ेगी मतलब सिंगली रिनफोर्स बीम तक कितना ले लेता है ये अब फोर तो ले लेता लेकिन रिमेनिंग के आपके पास 50 किलो न्यूटन मीटर तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको एडिशनल आपको कंप्रेशन स्टील वगैरह आपको डालनी पड़ेगी उस सेक्शन पे समझ में आया तो हम हमेशा जो डिज़ाइन करते हैं डी आर बी वो किसके लिए डिज़ाइन करते हैं जो इसका जो डिफरेंस है उसके लिए हम क्या कर लेते हैं हम वहां पर हम डबली रिनफोर्स सेक्शन को हमें क्या करना पड़ता है डिज़ाइन करना पड़ता है चलिए तो आपको ये पता है कि सिंगली रिनफोर्स्ड बीम जो था वो एमयू लिमिट तक की कैपेसिटी को वो क्या कर सकता है ले सकता है उतना लोड जो है उतनी जो मोमेंट है उसको क्या कर सकता है वो बियर कर सकता है तो अगर मैं सिंगली रिनफोर्स बीम बनाया आपके लिए ठीक है मैं क्या कर रहा हूं सिंगली रिन्फोर्स बीम का अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूं चलिए स्टार्ट करते हैं सिंगली इनफोर्स बीम का बहुत अच्छे से आपको आता है काफी अच्छे से हमने डील किया था कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए उसमें तो मैं यहां पर क्या बना रहा हूं मैं यहां पर एक सिंगली रिन्फोर्स बीम बना रहा हूं ठीक है ऐसी बनाया था मैंने ठीक है ये क्या हमारे पास दिस इज विथ और ये क्या था हमारे पास दिस इज इफेक्टिव डेप्थ ठीक है हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ और टोटल अगर मैं बोलूंगा तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा ठीक है तो यहां पर इसके सेंटर से टेंशन के सेंटर से क्या हो रहा है आपके पास इसका इफेक्ट देखते हैं हम स्टील के सेंटर का ठीक है थोड़ा सा मैं हमेशा टेढ़ा ही बनाता हूं प्लीज आप उसको ना थोड़ा सा ज्यादा उसमें ना जज मत करिएगा मेरा थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो जाता है चलिए मैं यहां पर अगर मैं इसकी डिस्कस करूं यहां पर अगर मैं इसका स्ट्रेन डायग्राम की डिस्कस करूं ये क्या है मेरे पास ये है मेरा स्ट्रेन डायग्राम ठीक है ये मैंने बनाया है स्ट्रेन डायग्राम मतलब ये क्या आपके पास ये जो बीच में जो जा रहा है ये है क्या आपके पास ये न्यूट्रल एक्सिस है सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा यहां पर स्ट्रेस डायग्राम की बात करूंगा अगर मैं यहां पर स्ट्रेस डायग्राम की बात किया स्ट्रेस डायग्राम कैसे देखते थे हम स्ट्रेस डायग्राम हम देखते थे कि पहले यहां से यहां तक कैसे आता था आपके पास अगर पैराबोलिक जाता था और उसके बाद क्या होता था आपके पास एक रेक्टेंगुलर से आपको देखने को मिलता था उसका फिगर ठीक है तो ये क्या बना रहे हैं अभी हम क्या बनाए ये आप देख सकते हो ये एज अ कैप बनाए आपके पास सिंगली रिनफोर्स बीम का हम जो एनालिसिस करे थे वो कैसा किए थे हमने ऐसा ही किया था कि आपके पास एक सेक्शन है आर सी सी क्रॉस सेक्शन है उसके बाद हमने देखा था ये क्या आपके पास स्ट्रेन डायग्राम और ये क्या आपके पास स्ट्रेस डायग्राम ठीक है इसमें अगर मैं बोलूं ये वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव ठीक है और यहां पर अगर मैं बोलूँ तो ये कितना था हमारे पास पॉइंट फोर फोर सिक्स या फिर पॉइंट फोर फाइव भी लिख लो चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है पॉइंट फोर फोर सिक्स मैंने आपको बताया था लेकिन कैलकुलेशन ईजीली हमने पॉइंट फोर फाइव एफसी के ले लिया यहां पर ठीक अच्छा और क्या देखा था हमने हमने यहां पर देखा था कि जो पैराबोलिक जो आपके पास आ रहा है वो कहां तक आ रहा है आपके पास ये जो रीजन है ठीक है ये वाला जो रीजन है यहां पर आपको जो स्ट्रेन जो देखने को मिलता है वो कितना देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है पॉइंट डबल जीरो टू हमने अच्छे से पढ़ लिया था वो भी इसकी जो वैल्यू आई थी कितनी आई थी आपके पास दिस इज पॉइंट डबल जीरो टू ठीक है चलिए अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि ये मैं अभी क्या बना रहा हूं अभी मैं एज अ सिंगली री बीम बना रहा हूं मतलब अभी जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था एम लिमिट कितना ले सकता है आपका फोर फिफ्टी किलोमीटर मीटर तक अगर आपका ले लिया बट एम यू कितना आपका 500 हंड्रेड किलोमीटर मीटर का है मतलब ये जो सेक्शन बनाया हूं ये एम यू लिमिट लेने के लिए क्या है आपके पास प्रिपेयर्ड है एम यू लिमिट तक आप ले सकते हैं इस वाले बीम से ये क्या आपके पास सिंगलियर इन्फोर्स बीम है ये एमयू लिमिट तक ले सकता है लेकिन मुझे क्या करना है मुझे कितना आपको रजिस्ट करवाना है मुझे तो एमयू चाहिए एमयू कितना था हमारे पास फाइव हंड्रेड तो एमयू कितना था मेरे पास फाइव हंड्रेड एमयू लिमिट कितना था हमारे पास फोर फिफ्टी तो ये 450 के लिए तो ये सिंग्लियर इन्फोर्स बीम सफिशिएंट है बैलेंस सेक्शन में लिमिटिंग सेक्शन में अगर आप बनाओगे तो आपके पास ये आपके पास एनालिसिस होगा लेकिन रिमेनिंग कितना बचा आपके पास जो 50 जो रिमेनिंग जो है किलो न्यूटन मीटर जो है उसके लिए आपको क्या चाहिए उसके लिए आपको डबली रिन्फोर्स बीम आपको डिजाइन करनी होगी मतलब आपको यहां पर क्या करना होगा आपको यहां पर कंप्रेशन स्टील भी एड करना होगा ठीक है आपको यहां पर कंप्रेशन स्टील भी क्या करना होगा आपको कंप्रेशन स्टील भी एड करना होगा ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर इसको मैं बोल रहा हूँ ये जो तीन बार जो लगाया ये क्या है मेरे पास ए एस टी वन है ठीक है अब मैं यहां पर एडिशनल पार में लगाऊंगा ताकि मुझे ये फिफ्टी किलोमीटर मीटर जो एक्स्ट्रा जो आया है इसको भी रजिस्ट करवाना है तो मैं यहां पे क्या करूंगा मान लीजिए मैं यहां पर एक बार और ऐड किया इसको मैं बोल रहा हूं ए एस टी टू ठीक है एक बार मैंने और ऐड कर दिया और मुझे क्या करना है मैंने आपको बताया कि हम यहां पर क्या करेंगे कंप्रेशन साइड में भी क्या करेंगे हम इसको स्टील को प्लेस करेंगे तो मैंने क्या किया यहां पर मैंने दो बार मैंने प्लेस किए ठीक है यहां पर हमने क्या किया यहां पर हमने दो बार प्लेस किया इसको हम बोलते हैं टेंशन साइड का जो रिनफोर्समेंट है उसको हम बोलते हैं ए एस टी ठीक है Azt, और कंप्रेशन साइड का जो रिनफोर्समेंट है उसको हम बोलते हैं ए एस सी ठीक है एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन दिस इज एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन क्लियर चलिए अब यहां पर आपके पास बात आती है कि ये जो मैंने ये जो मैंने स्टील जो डाला है कंप्रेशन में कंप्रेशन जोन में आरसीसी के अब यहां पर इसका अगर मैं स्ट्रेन डायग्राम की बात करूं ये क्या है हमारे पास दिस इज अवर स्ट्रेन डायग्राम ये क्या है हमारे पास दिस इज अवर स्ट्रेन डायग्राम अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर मैंने जो स्टील जो डाला है क्यों डाला है मैंने क्यों डाला है स्टील जो ड्यू डाला मैंने हमारे पास जो एक्स्ट्रा जो हमारे पास जो मोमेंट आया तो था 50 के लिए उसको रजिस्ट करवाने के लिए हमने क्या किया यहां पर हमने एक्स्ट्रा री हमने क्या किया एड किया कहां पर एड करेंगे कंप्रेशन जोन में क्योंकि टेंशन जोन में तो ऑलरेडी था लेकिन वो तो उतना सफिशेंट नहीं था तो हमने क्या किया टेंशन जोन में भी हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया और क्या किया उसके रिस्पेक्ट में हमने क्या किया यहां पर कंप्रेशन जोन में भी हमने एड कर लिया क्लियर अच्छा अब यहां पर आपने कर तो लिया है ठीक है तो अगर टेंशन जोन के लिए जो स्टील होती है उसको हम क्या बोलते हैं वहां से टॉप मोस्ट से यहां तक हम क्या बोलते हैं उसका इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं डी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो आप मेरे को बताइए इसकी अगर मैं बात करूं इसके सेंटर से तो ये वाली डिस्टेंस को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं इसको मैं डिनोट कर रहा हूं डी डैश से ठीक है इसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं इसको मैं डिनोट कर रहा हूं डी डैश से ठीक है और डी डैश क्या है आप ऐसा बोल सकते हो कि डी डैश क्या है आपके पास कंप्रेशन जो आपके पास रीनफोर्समेंट है उसका क्या है आपके पास इफेक्टिव कवर है फ्रॉम द टॉप फाइबर ठीक है आप ऐसा बोल सकते हो और स्मॉल क्या है है आपके आपके पास पास स्मॉल इफेक्टिव डेप्थ ठीक है इफेक्टिव डेप्थ क्या है आपके पास स्मॉल डी और मैंने इसका जो कवर है उसको मैंने किससे डिनोट कर दिया मैं डी डैश है मतलब ऊपर का जो टॉप जो फाइबर है वहां से आप डी डैश डिस्टेंस पे आप क्या करेंगे कंप्रेसिव स्टील को आप क्या करेंगे वहां पर प्लेस करेंगे क्लियर यहां तक क्लियर है अच्छा अब ये मैंने जो स्टील जो डाला है इसका कुछ स्ट्रेन आएगा यहां पर स्ट्रेन डायग्राम में आपको यहां पर इसका स्ट्रेन देखने को मिलेगा इस स्टील का तो यहां पर अगर मैं स्टील की बात करूं तो इसी जोन में ठीक है ये जो जोन है यहीं पर मुझे क्या मिलेगा यहां पर मुझे स्ट्रेन ऑफ स्टील इन कंप्रेशन देखने को मिलेगा एप्सिलॉन एस से मैंने उसको क्या है? किया है डिनोट किया एप्सिलॉन क्या है आपके पास स्ट्रेन एस के आपके पास स्टील और सी के आपके पास इन कंप्रेशन स्ट्रेन ऑफ स्टील इन कंप्रेशन तो ये जो आपने बार डाला उसका आपको स्ट्रेन देखने को मिल गया कितना है वो एप्सिलॉन एस सी और सिमिलरली आपको यहां पर जो बार आपने डाला है उसका आपको यहां पर आपको स्ट्रेस भी देखने को मिल जाएगा ठीक है तो स्ट्रेस के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे तो यहां पर आपने जो बार डाला है उसका आपको स्ट्रेन देखने को मिल गया किससे डिनोट किया हूँ मैं एप्सिलॉन एस सी और यहां पर उसका स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं चलिए यहीं पर बता देता हूं स्ट्रेस कितना आ जाएगा आपके पास स्ट्रेस ऑफ स्टील इन कंप्रेशन उसको मैं डिनोट किया हूं किससे एफ ऑफ एस सी से ठीक है यहां तक समझ में आया चलिए तो यहां पर अच्छा इसको मैं ना थोड़ा इजी वे में बताऊंगा इसको भी यहां पर ऐसे मत लिखे इसको ना अच्छे से मैं बताऊंगा डिस्कस करके तब आपको समझ में आएगा डायग्राम में कंफ्यूज हो जाओगे तो ये स्टील था उसका स्ट्रेन आया और उसी का क्या हो जाएगा आपके पास स्ट्रेस आ जाएगा ठीक चलिए तो अपन यहां पर सबसे पहले स्ट्रेन जो आया है हमारे पास स्ट्रेन जो आया है स्ट्रेन ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन इन कंप्रेशन जोन उसकी वैल्यू कितनी होगी हम उसको देख लेते हैं क्लियर तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना है आपके पास डी डैश और आपको ये पता होता है कि यहां पर जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो होती है न्यूट्रल एक्सिस जो होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं एक्स यू से ठीक है एक्स यू से डिनोट करते हैं और आपको यह पता है कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या बोला हूँ इसको मैं बोला हूं डी डैश ठीक है तो अगर मैं यहां पर बात किया अगर मैं यहां सिमिलर ट्राइंगल ले रहा हूं अगर मैं यहां पर सिमिलर ट्राइंगल लिया तो क्या हो जाएगा आपके पास यहां पर देखिए ये वाला ट्राइंगल और टॉप मोस्ट फाइबर से लेकर पूरा ट्राइंगल इसको अगर मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव अपॉन टोटल कितना है Neutral कितना है वो? XU. तो मैं पे लिख सकता हूं जीरो अपॉन एक्स यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्ट्रेन इन स्टील इन कंप्रेशन अपॉन ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टोटल एक्स यू है माइनस कितना हो जाएगा ये डी डैश करूंगा तो मेरे को ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एप्सिलॉन एस सी अपॉन एक्स यू माइनस डी डैश लिख सकता हूँ यहां पर ठीक है तो अगर मैं स्ट्रेन ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन की बात करूं मतलब एप्सिलॉन एस सी की बात करूं तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव अपॉन एक्स यू माइनस डी डैश अपॉन एक्स यू ठीक है ये क्या हो गया हमारे पास ये आ गया हमारे पास स्ट्रेन ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन या फिर इसको आप एक्स यू माइनस डी डैश की जगह आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव वन माइनस डी डैश अपॉन एक्स यू ठीक है एनी ऑफ द अबो आप यहां पर लिख सकते हैं तो ये क्या आ गया हमारे पास ये आ गया हमारे पास स्ट्रेन का फॉर्मूला ठीक है गेट में पूछा गया ये वाला गेट में ये वाले इक्वेशन से आपके पास क्वेश्चन आ चुका है डब्ल्यू इन बीम से ठीक है डब्ल्यू इन बीम बेसिकली अगर मैं बताऊं आपको तो देखिए डिजाइन वगैरह जो है तो वो तो टोटल कंप्रेशन सॉरी कन्वेंशनल पेपर में ही आएगा ऑब्जेक्टिव में डब्ल्यू इन बीम से डिज़ाइन के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन तो बनेगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या जाएगा हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन अगर मैं इसके सिंपल अगर मैं बात बात करूँ तो यहां से ही जो स्ट्रेन के बारे में जो बताया हूं यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है गेट वगैरह में ठीक है ऑब्जेक्टिव पेपर में इस वाले इक्वेशन से काफी बार आपको क्वेश्चन देखने को मिले चलिए तो मैंने यहाँ पर स्ट्रेन की बात कर लिया स्ट्रेन की जो वैल्यू आई है इस कंप्रेशन स्टील के लिए वो कितनी आई है हमारे पास पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव वन माइनस डी डैश अपॉन एक्स यू अब बात आती है कि ये जो डी डैश जो है ये जो डी डैश है वो डी डैश की सर वैल्यू कितनी होगी भाई यहां से यहाँ से मैं टेन एम एम में लूँ फिफ्टीन एम एम ए लूँ ट्वेंटी एम एम ए लूँ थर्टी एम एम फिफ्टी हंड्रेड कितने एम एम पे रखूँ मुझे तो नहीं पता वो बात तो यहाँ पर अगर मैं डी डैश की बात करूँ तो डी डैश ना हमेशा कभी भी आपको डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में नहीं दिया रहेगा डी डैश हमेशा किसके फॉर्म में दिया रहेगा आपको डी डैश अपॉन डी के रेशियो के फॉर्म में दिया रहेगा ठीक है हमेशा डी डैश किसके फॉर्म में दिया रहेगा डी डैश अपॉन डी के रेशियो के फॉर्म में आपको दिया रहेगा तो यहाँ पर इसकी अगर मैं प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ आई एस ने डी डैश बाई डी की जो वैल्यू है डी डैश बाई डी की वैल्यू जो है उसकी रेंज ना पॉइंट उसकी जो रेंज है वो है पॉइंट ज़ीरो फाइव से पॉइंट टू तक का बताया प्रैक्टिकली जो इसकी जो रेंज आती है डी डैश बाई डी की वो कितनी आती है आपके पास 0.05 से 0.2 तक की रेंज में क्या होता है इसका जो रेशियो जो है डी बाई डी डैश बाई डी वो क्या होता है होल्ड करता है ठीक है अब आप बोलोगे कि सर कैसे निकालेंगे अपन इसका स्ट्रेन इस अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे चलिए अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं अगर मैं स्ट्रेन एस की बात करूं तो अगर मैं लिमिटिंग कंडीशन की बात कर रहा हूं लिमिटिंग कंडीशन की अगर मैं बात करूं यहां पर इन लिमिटिंग कंडीशन मतलब एक्स यू क्या हो जाएगा आपके पास एक्स यू लिमिट के बराबर हो जाएगा तो स्ट्रेन जो होगा वो कितना हो जाएगा पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव एक्स यू लिमिट माइनस डी डैश अपॉन क्या हो जाएगा ये एक्स यू लिमिट ठीक है ये वाले फॉर्मूले मैंने प्लेस किया एक्स यू की जगह मैंने क्या किया एक्स यू लिमिट मैंने पुट किया एक्स यू लिमिट क्या होता है आपके पास एक्स यू लिमिट का फॉर्मुला क्या होता है के इन टू डी एक्चुअल लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास के इन टू डी अच्छा अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि डी डैश बाई डी कितना बोला है पॉइंट डबल जीरो पॉइंट जीरो फाइव से लेकर पॉइंट टू तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट केस लूँ डी डैश बाई डी ग्रेटर देन इक्वल टू मैं बोल रहा हूँ पॉइंट जीरो फाइव ठीक है जो रेंज है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं तो पहले कितना बोला है पॉइंट जीरो फाइव से लेकर पॉइंट टू तक के बीच में ये वाला रेशियो होल्ड करता है तो यहां पर अगर मैं इक्वल टू पॉइंट जीरो फाइव अगर मैं ले रहा हूं सबसे मिनिमम वाली वैल्यू तो डी डैश कितना हो जाएगा आपके पास पॉइंट जीरो फाइव इंटू डी डी डैश कितना हो जाएगा आपके पास पॉइंट इंटू डी सिमिलरली एक्स यू लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास के इंटू डी एक्स यू लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास के इंटू डी देख चुके अपन तो यहां पर आपके पास के की जो वैल्यू होती है के की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपके पास जनरली k की जो वैल्यू होती है वो जनरली आपके पास कितनी होती है एफ ई टू फिफ्टी के लिए होती है पॉइंट फाइव थ्री एफ ई फोर फाइव फोर वन फाइव के लिए होती है पॉइंट फोर एट और एफ ई फाइव हंड्रेड के लिए कितना होता है आपके पास पॉइंट फोर सिक्स तो जनरली अगर मैं इस एक टर्म लेके चलूँ तो अज्यूम मैं कर ले रहा हूँ अज्यूम के की वैल्यू मैं कितनी कर ले रहा हूँ पॉइंट फाइव लेके चल रहा हूँ पॉइंट फाइव इंटू चलिए एज्यूम के की वैल्यू मैं कितनी लेके चल रहा हूँ पॉइंट फाइव समझ में आ रहा है क्या है। तो डी डैश बाई डी की जो रेशियो जो है उसके सबसे जो लोअर वाली जो वैल्यू है वो कितनी है पॉइंट जीरो फाइव तो डी डैश कितना हो जाएगा पॉइंट जीरो फाइव इंटू डी सिमिलरली एक्स लिमिट क्या होता है के इंटू डी जिसमें मैं अज्यूम क्या कर रहा हूं के की वैल्यू कितनी है पॉइंट फाइव तो अगर मैं स्ट्रेन निकालू एप्सिलॉन एस सी निकालू तो कितना हो जाएगा हमारे पास पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव इंटू एक्स लिमिट कितना हो जाएगा के इन टू डी के कितना है हमारे पास डी डैश D D कितना है हमारे पास पॉइंट जीरो फाइव इंटू डी अपॉन अपॉन कितना हो जाएगा ये एक्स यू लिमिट अगेन कितना हो जाएगा ये पॉइंट फाइव इंटू डी ठीक है एक्स यू लिमिट क्या होता है आपके पास के इंटू डी के वैल्यू कितना रखो मैं पॉइंट फाइव तो मैंने पॉइंट फाइव डी अपॉन पॉइंट फाइव डी यहां पे प्लेस किया इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां पर आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो अराउंड पॉइंट डबल ज़ीरो थ्री वन के अराउंड कुछ वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सिमिलरली अगर मैं सेकेंड कंडीशन में अगर मैं डी डैश बाई डी की वैल्यू कितनी हमारे पास पॉइंट टू तो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट टू प्लेस किया इस वाले फार्मूले में एप्सिलॉन एस सी के फार्मूले में मैं क्या प्लेस कर रहा हूँ अब डी डैश को मैं कितना प्लेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर पॉइंट टू इंटू डी तो ये कितना हो जाएगा पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव एक्स यू लिमिट कितना हो जाएगा के इन टू डी मतलब पॉइंट फाइव d डी माइनस डी डैश कितना है हमारे पास पॉइंट टू इंटू डी ये कितना हो जाएगा पॉइंट टू इंटू डी अपॉन एक्स यू लिमिट मतलब के इंटू डी मतलब पॉइंट फाइव इंटू डी तो इसकी जो वैल्यू आएगी इसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी वो अराउंड पॉइंट डबल जीरो टू वन समथिंग के अराउंड कुछ यहाँ पर वैल्यू देखने को मिलेगी ठीक है इसका मतलब यह है आप यहां पर इसको समझिए इसका मतलब यह है कि इन जनरल इन जनरल आपके पास जो d डैश बाई डी की जो वैल्यू आपको दिया गया है आई कोड ने वो कितना दिया गया पॉइंट जीरो फाइव से लेकर पॉइंट टू तक इन जनरल बोल रहा हूं ऐसा नहीं है कि हमेशा यहीं पर वैल्यू आपको देखने को मिलेगा लेकिन इन जनरल आपके पास जो डी बाई डी डैश बाई डी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है पॉइंट जीरो फाइव से लेकर पॉइंट टू इसका मतलब आपके पास जो स्ट्रेन की जो वैल्यू है स्ट्रेन की जो वैल्यू है वो कितना देखने को मिल रहा है आपके पास पॉइंट डबल जीरो टू से लेकर कितना दिख रहा है आपको पॉइंट डबल जीरो थ्री तक मतलब आप यहां पर बोल सकते हो क्या ये पॉइंट डबल जीरो टू से पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव के बीच में होल्ड कर रहा है वाली वैल्यू डी बाई डी डैश बाई डी के इस वैल्यू के रेंज में आपका जो स्ट्रेन जो आ रहा है वो पॉइंट जीरो जीरो टू से लेकर पॉइंट जीरो जीरो थ्री फाइव के बीच में आपको क्या मिल रहा है देखने को मिल रहा है इसका मतलब यह है कि आपके पास जो स्ट्रेन की जो वैल्यू है वो जो आपके ये वाला जो रेंज है मतलब स्ट्रेन का ये वाली वैल्यू कितनी है पॉइंट डबल जीरो टू से लेकर टॉप मोस्ट फाइबर कितना होता है आपके पास पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव मतलब स्ट्रेस जहां पर आपका रेक्टेंगुलर जहां पर बिहेव कर रहा है स्ट्रेस कहां पर बिहेव कर रहा है आपके पास 0.002 से लेकर 0.0035 के स्ट्रेन के बीच में आपके पास स्ट्रेस डायग्राम कैसा आता है आपके पास एज अ रेक्टेंगुलर सेक्शन आपको देखने को मिलता है तो मतलब आपका जो कंप्रेशन जो स्टील है वो इन जनरल आपका ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक बन रहा है स्ट्रेस डायग्राम में उसी के अंडर आपको देखने को मिलता है क्लियर है यहां तक पॉइंट इसका मतलब ये है आप ये जो पैराबोलिक जो रीजन है पैराबोलिक रीजन में जनरली ये वाले स्टील और नीचे मत कर देना ताकि ये कहाँ पर आ जाए आपके पास ये पैराबोलिक रीजन में आ जाए जनरली वो कहाँ पर आता है आपके पास जो रेक्टेंगुलर जो रीजन है रेक्टेंगुलर जो पोशन है वहाँ पर क्या होता है वो लाई करता है क्लियर समझ में आया कि इसकी जो प्लेसमेंट जो है तो डी डैश आपको स्पेसिफाई नहीं करता किसी डिस्टेंस पे कि ऊपर से 10 एम mm, 20 ट्वेंटी एम एम ऐसे आपको स्पेसिफाई नहीं करता डी डैश कैसे स्पेसिफाई करता है इन द टर्म ऑफ रेशियो इन द टर्म ऑफ रेशियो कौन सा रेशियो डी डैश बाय डी के रेशियो में आपको स्पेसिफाई करता है और डी डैश बाय डी का जो स्पेसिफाई जो आपके पास जो वैल्यू जो है वो जनरली पॉइंट जीरो फाइव से लेकर पॉइंट टू के बीच में आपके पास होल्ड करती है उस रेशियो की वैल्यू तो इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर आप स्ट्रेन देखोगे तो आपको जो स्ट्रेन जो मिलेगा उस रेशियो के करस्पॉन्डिंग वो हमेशा पॉइंट डबल जीरो टू से पॉइंट जीरो जीरो थ्री फाइव के बीच में आपको वैल्यू होल्ड करते हुए नजर आएगी इसका मतलब ये है कि आपका जो स्टील आपने जो कंप्रेशन जोन में डाला है वो जनरली कहाँ पर आया है आपके पास कहाँ पर आया इन द रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ द स्ट्रेस डायग्राम बात समझ में आई ठीक है तो यहां तक क्लियर है स्ट्रेन समझ में आया स्ट्रेन का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा है ये ई एस सी इज इक्वल टू पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव वन माइनस डी डैश पॉन एक्स यू ठीक है एक्स यू लिमिट मत कर देना वो मैं समझाने के लिए मैंने लिमिटिंग कंडीशन पे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेन कहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम कंडीशन पे कितनी उसकी वैल्यू आ सकती है ठीक है तो ये क्या था आपके पास स्ट्रेन इन कंप्रेशन जोन तो हमने स्ट्रेन के बारे में तो बात कर लिया अब हम किसके बारे में बात करेंगे अब हम यहाँ पर बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में कि आप ये जो स्टील जो लगाए हो कंप्रेशन जोन में इसके कारण आपको जो स्ट्रेस जो दिखने को मिलेगा वो कैसा दिखने को मिलेगा तो यहां पर आप सबसे पहले तो समझिए कि यहां पर ये किसके लिए बनाते हैं स्ट्रेस डायग्राम हमेशा कंक्रीट के लिए ही बनता है ठीक है हमेशा ये जो ऊपर वाला जो रीजन है ये किसके लिए बना है हमेशा कॉन्क्रीट के लिए बना है जो टेंसाइल फोर्स आती है वो हम नीचे से उसको सिर्फ एक फोर्स पे डिनोट कर देते हैं वो उसका एक ब्लॉक डायग्राम नहीं बनता है स्ट्रेस के पोर्शन में सिर्फ कंप्रेशन जोन में आपके पास जो स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम जो बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है टेंशन के लिए नहीं बनता है टेंशन के लिए आपके पास सिर्फ एक फोर्स आती है उसकी वैल्यू कितनी होती है पॉइंट एट सेवन इंटू एफ वाई तो आपको ये तो पता है कि आपके पास यहां पर आपको स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट आपको पहले ही देखने को मिलता था कौन से टर्म में जब हम सिंगली रिनफोर्स बीम हम डिजाइन करते थे लेकिन अब यहां पर ठीक है पहले हमें क्या मिलता था सिर्फ स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट देखने को मिलता था कंप्रेशन में लेकिन अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि हम कंप्रेशन में स्टील भी डाल रहे हैं तो जो स्ट्रेस जो होगा वो सिर्फ कॉन्क्रीट के कारण नहीं आएगा इस केस में आपके पास स्ट्रेस ड्यू टू स्टील भी देखने को मिलेगा सिंगली रिन्फोस बीम में सिर्फ ऐसा ही ब्लॉक बनता था सिर्फ ये वाला डायग्राम बनता था लेकिन इस केस में सिंस आप यहां पर स्टील भी डाल रहे हैं तो कॉन्क्रीट में जो स्ट्रेसेस आते थे साथ ही साथ क्या होंगे यहां पर आपके पास स्टील के कारण भी क्या होगा स्ट्रेस मिलेगा इन कंप्रेशन जोन ठीक है तो बेसिकली अगर मैं स्ट्रेस के बारे में बात करूं स्ट्रेस के बारे में बात करूं तो अब यहां पर कंप्रेशन जोन में कंप्रेशन जोन में कंक्रीट के लिए मिलता था पहले लेकिन अब साथ में क्या हो जाएगा आपके पास कंप्रेशन जोन में स्टील के लिए भी देखने को मिलेगा स्ट्रेस ठीक है तो यहां पर आपके पास एडिशनल एक चीज आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी आपके पास स्टील के कारण आपके पास स्ट्रेस जो आ रहा है इन स्टील इन द कंप्रेशन जोन ठीक है तो कंप्रेशन जोन में कॉन्क्रीट को अगर मैं बोलूँ ठीक है तो उसको मैं डिनोट कर रहा हूं किससे उसको मैं डिनोट कर रहा हूं एफ सी सी से ठीक है उसको मैं डिनोट कर रहा हूं किससे एफ सी सी से तो अगर मैं अभी तक स्ट्रेन के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया अब मैं डिस्कस किसके बारे में करूंगा स्ट्रेस के बारे में तो अगर मैं बात करूं स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इन द कंप्रेशन जोन इन द कंप्रेशन जोन इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ एफ सी सी से ठीक है इसको मैं किसे डिनोट कर रहा हूँ एफ सी सी से तो आपको पता है यहाँ पर कि देखिए आपके पास जो स्टील जो था हमने कहाँ पर लगाया है वो पॉइंट डबल ज़ीरो टू और पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव का जो स्ट्रेन है उसके बीच में हमने क्या किया वहाँ पर स्टील को हमने प्लेस किया है तो इसका मतलब जो कॉन्क्रीट जो है वो हम कहां पर बात करेंगे हम वो हम ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक के बारे में ही बात करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक में आपके पास जो स्ट्रेस जो आएगा वो कितना आएगा पॉइंट फोर फाइव एफ सी के ही आएगा जनरली अगर मैं यहाँ से लेकर स्ट्रेन कितना है पॉइंट डबल जीरो टू से लेकर स्ट्रेन पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव इस वाली डिस्टेंस मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है हमारे पास थ्री बाय सेवन एक्स यू हमने डिराइव किया था और नीचे वाली कितनी होती है फोर बाय सेवन एक्स यू तो आपको ये पता है कि थ्री बाय सेवन एक्स यू के बीच में ही आपका कंप्रेशन स्टील आ रहा है तो यहां पर आपके पास ये वाली वैल्यू ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली आपके पास जो प्लेस है वहां पर स्ट्रेस कितना आता है कॉन्क्रीट के अंदर पॉइंट फोर फाइव एफ सी के अगर इससे नीचे आएगा तो आपके पास जो वैल्यू पॉइंट फोर फाइव एफ सी के की वो कम होती जाएगी लेकिन यहां पर तो पैराबोलिक रीजन में आ ही नहीं रहा कहां पर आ रहा है आपके पास थ्री बाई सेवन एक्स यू वाली डिस्टेंस पे आ रहा है तो इसका मतलब एफ सी सी की वैल्यू हमेशा कितनी हो जाएगी आपके पास पॉइंट फोर फाइव एफ सी के ठीक है तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि जो कॉन्क्रीट में आपके पास जो स्ट्रेस जो आ रहा है आपके पास जो एफ जो आ रहा है वो कितना आ रहा है हमेशा पॉइंट फोर फाइव या फिर पॉइंट फोर फोर सिक्स एफ के भी लिख सकते हो कब व्हेन डी डैश बाई डी लाइज कहाँ पर पॉइंट फाइव से लेकर पॉइंट टू तक ठीक है और स्ट्रेन जो है कहाँ पर लाइज लाई कर रहा है वो पॉइंट से लेकर पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव तक ठीक है आपके पास अगर पॉइंट डबल जीरो टू से पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव तक का स्ट्रेन अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वहां पर मतलब आपके पास जो आया वो कहां पर आया स्ट्रेस ब्लॉक में रेक्टेंगुलर पोर्शन के अंदर आया और रेक्टेंगुलर पोर्शन में आपके पास जो डिज़ाइन जो स्ट्रेंथ होती है कॉन्क्रीट की वो कितनी होती है आपके पास पॉइंट फोर फाइव एफ सी के ठीक है तो जनरली आप एफ सी सी की वैल्यू कितनी लेंगे पॉइंट फोर फाइव एफ सी के ही लेंगे क्योंकि स्ट्रेन कितना हो रहा है यहाँ पर पॉइंट डबल ज़ीरो टू से पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव के बीच में देखने को मिल रहा है ठीक है अगर मैं ये क्या बता मैं ये बताया मैं जनरली प्रैक्टिकली बताया इन केस मान लीजिए कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया जो थोड़ा सा क्या किया कंसेप्चुअली क्या हो गया थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पर वो बोल सकता है कि आपका जो क्वेश्चन में दे दिया गया है कि आपका जो स्टील जो हमने प्लेस किया है वो पैराबोलिक रीजन में प्लेस किया मतलब हमने यहां पर प्लेस नहीं किया रेक्टेंगुलर पोर्शन में हमने कहां पर प्लेस किया है हम यहां पर प्लेस किया मतलब डी बाई डी डैश बाई डी का जो रेशियो है वो ऐसा रेशियो ले लिए हैं कि वो पॉइंट डबल जीरो टू से क्या हो गया वो कम हो गया तो आप उस केस में आपको यहां पर उसकी वैल्यू आपको दे दी गई जाएगी कि उस केस में आपके पास पैराबोलिक रीजन में आपका जो स्ट्रेस है वो कितना हो जाएगा पॉइंट फोर फाइव एफ सी के एफ सी के से कम हो जाएगा जैसे मान लीजिए पॉइंट थ्री सिक्स एफ सी के दे दिया पॉइंट थ्री एट एफ सी के दे दिया तो उस केस में अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन अगर बोल दिया जाए कि आपके पास जो स्ट्रेन जो हमने स्टील को जो हमने डाला है कंप्रेशन जोन में वो हमने क्या किया है हमने नीचे डाला है मतलब नीचे इसका मतलब आपका जो स्ट्रेन जो है पॉइंट डबल जीरो टू से उसके हमने नीचे पे डाला हुआ है तो मतलब आपका कहाँ पर आ जाएगा वो पैराबोलिक रीजन में आ जाएगा तो उस केस में आप 0.45 फोर के नहीं लोगे उस केस में आपको जितना भी क्वेश्चन में दिया रहेगा 0.36, 35 जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा आप वो वाला स्ट्रेस की वैल्यू आप एफ के लिए लेंगे समझ में आया स्ट्रेस इन स्टील सॉरी स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट आपको समझ में आ गया कंप्रेशन जोन में अब अपन बात करते हैं स्ट्रेस इन स्टील के बारे में ठीक है तो वो हम देखते हैं उसको हम डिनोट करेंगे एफ एस सी से एफ मतलब स्ट्रेस एस सी मतलब स्टील इन कंप्रेशन जोन तो स्ट्रेन हमने देख लिया स्ट्रेस हमने कंक्रीट के अंदर देख लिया अब अपन देखते हैं स्ट्रेस इन स्टील <ण्याँग>